जोहार हजारीबाग, मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। हजारीबाग से एक ब्रेकिंग न्यूज आ रहा है, बीपीएससी TRE 3 एग्जाम का यहां पे तैयारी करवा रहे थे, पेपर लीक करवाने की साजिश चल रही थी, ऐसा हजारीबाग के एसपी ने कहा। यही कोहिनूर बैंकेट हॉल के पास लगभग 40-50 स्टूडेंट जो हैं यहाँ पे थे, और जिनको बिहार से ला के यहाँ पे रखा गया था, उनको क्वेश्चन देने की बात कही गई थी, तैयारी कराने की। आज बता दूँ आपको कि बिहार में एग्ज़ाम है, BPSC TRE 3 पेपर का एग्ज़ाम है, और वही एग्ज़ाम ले जाने के लिए यहाँ पे तैयारी करवा रहे थे स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स यहाँ पे थे, और उसी दौरान जो है सुबह 5 बजे पुलिस ने छापा मारा। गुप्त सूत्रों से पता चला कि यहाँ पे 50-60 स्टूडेंट हैं, उनको अभी तक पुलिस यहाँ पे पकड़ ली है और पकड़ के पूछताछ चल रही है। पूछताछ में यही पता चल के आ रहा है कि जो लोग बिहार से आए थे उनको तैयारी करवाया जा रहा था, क्वेश्चन शायद दिया जा रहा था ताकि एग्ज़ाम उनका क्लियर हो सके। और इसी को लेके जो है पुलिस लगातार 3 घंटे से छापामारी कर रही है, और अभी भी जो है पुलिस यहाँ पे अंदर है, अभी तक बाहर नहीं निकली है। हमने SDPO से बात करने की कोशिश की, उन्होंने अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन हजारीबाग के SP ने बताया कि पेपर लीक का मामला हो सकता है और हजारीबाग के लोग भी यहाँ पे सम्मिलित हो सकते हैं। आपको बता दूं कि यही बैंकेट हॉल है, और सुबह में जब पुलिस यहाँ पे पहुंची तो ऐसा पता चला, आसपास के लोग बता रहे थे, कुछ स्टूडेंट जो है भागने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस जो है मौके पर पहुँच गई और 50-60 स्टूडेंट जो है अभी भी अंदर हैं। क्या कर रहे थे ये लोग, बस से जो है बिहार से स्टूडेंट को ला रहे थे, और फिर यहाँ पे रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जैसा आप देखते हैं उस तरह से रिजॉर्ट में एक होटल में उनको तैयारी करवाए थे, प्रोजेक्टर में क्वेश्चन आंसर बताने की कोशिश कर रहे थे, और किसी का मोबाइल किसी के पास नहीं है, कोई भी छात्र के पास मोबाइल नहीं है। आपको बता दूँ कि BPSC TRE टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम जो फर्स्ट फेज सेकंड फेज हो चुका है, ये तीसरा एग्ज़ाम था टीचर्स रिक्रूटमेंट का, और उसी दौरान जो है पेपर लीक का मामला आ सकता है। आज एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम होना है बिहार में, एग्ज़ाम ये चल रहा होगा, लेकिन उसी दौरान इन लोगों को यहाँ पे तैयारी करा के बिहार ले जाया जा रहा था। तो हजारीबाग के कोहिनूर बैंकेट हॉल जो रोमी स्थित है, रोमी में पड़ता है, और यहीं पे सुबह सुबह लगभग 4-5 बजे ऐसा जो है पुलिस को जैसे ही पता चला तो उसने छापामारी की और सुबह सुबह यहाँ पे पहुँच गए, और अभी लगभग 5-6 घंटा से जो है कार्रवाई चल रही है, और इसी को लेकर जो है मामला पूरा हजारीबाग में ये बना हुआ है कि क्या लिंक जो है यहाँ के हजारीबाग के लोग इससे जुड़े हुए हैं, कि बिहार के लोग जुड़े हुए हैं, कौन लोग जुड़े हुए हैं, आखिर इसका पर्दाफाश पुलिस करेगी। पुलिस अभी कार्रवाई कर रही है, पुलिस तथ्यों की जाँच कर रही है कि आखिर क्या था, क्वेश्चन लीक कैसे करवा रहे थे, क्वेश्चन पेपर यहाँ पे दे दिया गया था या फिर क्वेश्चन याद करके आए थे कुछ लोग और यहाँ पे स्टूडेंट को बताने की कोशिश कर रहे थे। एक बस भी यहाँ पे खड़ी हुई है, और बस में जो है स्टूडेंट को भर के एग्ज़ाम का सेंटर ले जाना था, तो ऐसे ही करके जो है ये मामला चल रहा था। उसी दौरान किसी ने शायद इन्फॉर्मेशन दी पुलिस को, गुप्त सूत्रों के हिसाब से पता चला, और पुलिस ने यहाँ पे कार्रवाई करने के लिए अपनी टीम भेजी, और पूरी की पूरी पुलिस की टीम यहाँ पे आप कह दें SDPO DYSP थाना प्रभारी और पूरा का पूरा पुलिस बल यहाँ पे पहुँचा हुआ है ये देखने के लिए कि आखिर क्या हुआ है, और पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है, बिहार पुलिस से भी कॉन्टैक्ट करेगी। SP ने बताया कि हाँ मामला ऐसा हो सकता है कि यहाँ के कुछ लोग जो हैं जुड़े हो सकते हैं। तो देखिए क्या होता है, BPSC का एग्ज़ाम कैंसिल होता है या फिर पेपर लीक का मामला आता है, क्या पूरी जानकारी मिलती है आपको अपडेट करेंगे, लेकिन अभी तक यही अपडेट है कि इस बैंकेट हॉल में, हजारीबाग के रोमी स्थित बैंकेट हॉल, कोहिनूर बैंकेट हॉल में 50-60 स्टूडेंट हैं, जिनको पुलिस जब छापामारी की तो पुलिस यहाँ पे आके उनसे पूछताछ कर रही है कि आखिर क्या मामला है, और ये लोग बिहार से आए हैं, बिहार से आके यहाँ पे रखा गया है और तैयारी करवा रहे थे एग्ज़ाम की, जो एग्ज़ाम आज होने वाला है।